जहां इस महामारी में सरकार और सरकारी कर्मचारियों का आम जनता के साथ एक मित्रता और सहयोग से भरा व्यवहार दिखाई देना चाहिए और कुछ जगह दिखाई दे भी रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में वहां के कलेक्टर साहब ने अपने व्यवहार से ऐसी थूथू कराई है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उन्हें विभाग से हटाने का आदेश दे दिया है। कलेक्टर साहब ने लॉकडाउन के दौरान एक नवयुवक के सड़क पर घूमने को लेकर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद कलेक्टर साहब के साथ घूम रहे पुलिसकर्मियों ने भी जी हजूरी के चलते उस नवयुवक की डंडों से पिटाई भी कर दी। पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। ये जो आपने वीडियो देखी है, ये कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूरजपुर जिले के पुलिस अधिकारियों के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रहा बालक का नाम अमन मित्तल है और इसकी उम्र 23 वर्ष है। बच्चे के अनुसार तो वो दवाई का पर्चा लिए मेडिकल स्टोर जा रहा था, जबकि पुलिस ने इस बच्चे के खिलाफ लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया है। हालांकि बच्चे ने मास्क भी लगाया हुआ है और बच्चे के हाथ में दवाई का पर्चा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा कलेक्टर साहब को एक कागज और मोबाइल फोन पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान कलेक्टर साहब ने सेकंड्स में उसका फोन लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया और बाद में कलेक्टर ने बच्चे को थप्पड़ भी मारा। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने भी बच्चे को मारना शुरू कर दिया। वीडियो में कलेक्टर साहब बच्चे को पीटने के लिए साफ साफ आदेश देते दिखाई दे रहे हैं। वैसे हमेशा देखा गया है, जब वीडियो वायरल हो जाए तो ही सरकार हरकत में आती है और उस सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य क्राइम को लेकर जागरूक होती दिखाई देती है। यहाँ भी यही हुआ। इस वीडियो को 24 घंटे से अधिक समय का वक्त सोशल मीडिया पर हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस कलेक्टर को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, कलेक्टर साहब की इस हरकत का IAS एसोसिएशन ने भी कंडम किया है। वीडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने घटना के लिए माफी मांग ली है। समाचार लाइव हिंदी।